किताब लेके आया कि अब तो एक ही दिन रह गया। हम लोग दोस्त बना के चौकड़ी बना के पढ़ते थे, आप लोगों को याद होगा, जब एक घर किसी एक लौंडे के घर रहते थे सब, याद है आपको? टट्टू ना पढ़ते थे वहां, पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे वहां पे। डिटेल में समझाने का मत बोलना मेरे को। सो वो बुक बाय करके आए हम, तो चार दोस्तों की हमारी चौकड़ी थी, नाम नहीं बताना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है, कल यूट्यूब पे जाएगा तो पिटेंगे मेरे को पकड़ के कि घर की बातें बार बताता है। तो मुझे याद है आज भी, वो सब बैठे पढ़ने को और मैंने किताब उठाई तो मेरे को उबासी आ गई। तो मैंने बोला भैया मैं तो सो रहा हूं। उसने बोला नालायक कल तो एग्जाम है। तो मैंने बोला तुम कब तक पढ़ोगे? तो हमने बोला, उसने बोला हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर हम सोएंगे, फिर 5 बजे उठेंगे। तो मैंने कहा जब तुम सोने लगा तब जगा देना मुझको, तुम 12 बजे जब सोने लगो तो अपन को जगा दे, जब तुम सोओगे फिर हम रात भर में कर देंगे कांड। तो उसने बोला ठीक, अपन सो गए, चद्दर उद्दर ले, अब वो 12 मुझे हाथ लगाए सोनू उठ। मैं भी उठा, मैंने कहा उठ पढ़, कल तेरा एग्जाम है। मैंने कहा तुम सोने लग गया? कह रहा। मैंने कहा उठोगे सब? बोला 5 बजे। तो मैंने कहा हम भी साथ उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे फिर। तो बोले हराम खोर मरेगा। हमने कहा अब सोने दे, अब टेंशन मत। सो गए, 5 बजे का अलार्म लगता था, टू 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 टू, आवाज आती थी, इतनी गंदी आवाज थी आपको याद है? साला दिल करता था बम लगा दूं उसके अंदर में। उस आवाज ने दिलो दिमाग पे ऐसा आतंक मचा रखा था। अब 5 बजे वो अलार्म बजे, अब ये सब उठे, मेरे को उठाए सोनू उठ, तो उठ, मैं भी उठा। मैंने कहा तेरा पढ़ ले, हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने किताब उठाई 5 बजे। मैंने कहा जब पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अगले 2 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे, सो जा।